नमस्कार दोस्तों, भारतीय टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम फुल फॉर्म से संबंधित वीडियो बना रहे हैं जिनमें हर एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो दोस्तों, हमने पार्ट वन व पार्ट टू में फुल फॉर्म देख लिए, आज पार्ट थ्री में देखते हैं कि कौन कौन सी फुल फॉर्म है। तो दोस्तों आइए, बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, फर्स्ट फुल फॉर्म इनका शॉर्ट नाम दे रखा है और फर्स्ट फुल फॉर्म है कि FLPE। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन। क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन। फिर आता है दोस्तों ACSR, इसका आता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। फिर आता है दोस्तों CCSR, तो इसका आता है कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। फिर आता है ECL, ECL का आता है एमिटर एमिटर कपल्ड लॉजिक। फिर आता है HRC की फुल फॉर्म। HRC की फुल फॉर्म होती है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। फिर आता है दोस्तों BIL, बेसिक इंसुलेशन लेवल। इसका होता है बेसिक इंसुलेशन लेवल। फिर आता है UJT, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। फिर आता है UPS, UPS का होता है अनइंटरप्टेड
पावर सप्लाई, पावर सप्लाई। फिर आता है दोस्तों एफईटी, एफईटी का होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फिर आता है दोस्तों आईजीबीटी, आईजीबीटी इंसुलेटेड, इंसुलेटेड गेट बाई पोलर ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। फिर आता है दोस्तों मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों ये फुल फॉर्म से संबंधित हमारा वीडियो कंप्लीट, और एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इनका। XLPE का होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, SCSR का होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेंसफोर्स। फिर होता है CCSR कॉपर कंडक्टर स्टील रेंसफोर्स। फिर होता है ECL एमिटर कपल्ड लॉजिक। फिर होता है HRC हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। फिर होता है BIL बेसिक इंसुलेशन लेवल। फिर होता है UJT यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। फिर होता है UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। फिर होता है FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फिर होता है IGBT इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। फिर होता है MOSFET मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों इन फुल फॉर्म से एग्जाम में आपको 2 या 3 फुल फॉर्म देखने को मिल जाएगी। इलेक्ट्रिशियन से संबंधित कोई भी एग्जाम हो तो आपको हर एग्जाम में फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इनको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिखे और याद करें। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो।